हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट इजी मेक्स फिजिक्स इजी। सो आज लेकर आ गए हम लोग फिर से क्या एक और नया और एक और तड़कता और भड़कता हुआ टॉपिक जिसका नाम है जिसका नाम है ग्राफ्स। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ्स का एनालिसिस करने वाले हैं आज हम लोग। सो जल्दी से करते हैं इसको रिवाइज। सो हो जाए शुरू, करते हैं शुरू। देखो अभी ये मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना करके रखा है, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देता है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। बोलो, ये चीज तो आई होप आपको पता ही होगी। ऑल राइट, सो जल्दी से अब देखते हैं अपन। ये मैंने आपको एक बेसिक सा ग्राफ बना करके दिया है, इसमें हम लोग पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, इन सभी पॉइंट्स पे एनालिसिस करने वाले हैं कि वेलोसिटी का नेचर कैसा होगा। बट ये चीज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है वो उसको आप क्या कर लो, आंखों से देखकर अपने जहन में उतार लो। क्या है वहां पर? फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लुक फॉर दी स्लोप। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू -5 meter per second square, मैग्नीट्यूड हो गया इसका कितना, 5, और डायरेक्शन कितना हुआ इसका, डायरेक्शन कौन सा हुआ, मतलब नेगेटिव, ठीक है। सो इस चीज की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब कि ये, ठीक है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे। और इसके बाद बात आ जाती है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए क्या, अगर स्लोप आपका नेगेटिव है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, नेगेटिव। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है सो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव। सिंपल, जैसा स्लोप वैसा वेलोसिटी। ऑलराइट, सो और एक चीज और ध्यान रखना कि स्लोप हम लोग कहां से मेजर करते हैं, मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि जैसे अगर आपका ये कुछ ग्राफ रहेगा, ये है, तो आप हाँ यहां से ये स्लोप मेजर करोगे। ये अगर थीटा आपका 90 से कम आ रहा है, ठीक है, ये थीटा है ना, थीटा ये, तो थीटा को आप क्या भी लिखते हो, टेन थीटा। चलो टेन थीटा छोड़ दो इसको, इसको ऐसा देख लो, थीटा इज लेस देन 90, मतलब कि पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो बच्चे जानते हो क्या, नेगेटिव स्लोप। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, ये टेन थीटा पॉजिटिव होता है कब, जब 90 के पहले रहता है, और 90 के बाद जाता है तो क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव। सो ये सब आई होप आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि रिवीजन सीरीज है ना यार, सारा कुछ चीजें कवर नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी चीजें खत्म करना है हमको इस तरीके से कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाए। चलो, सो क्या पॉइंट याद रखना है आपको, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्लोप इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ऑल राइट, डन। फॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव। और स्लोप मेजर कैसे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। थीटा अगर आपका मतलब 90 से छोटा है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव, थीटा अगर 90 से बड़ा है तो मतलब स्लोप नेगेटिव। चलो, ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से देखते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हम ए बी सी डी ई एफ पॉइंट्स पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो देखो, सबसे पहले आ जाते हैं हम ए टू बी, वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी। सो वेलोसिटी कैसा रहेगा, इसका नेचर देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान दो बच्चों इस चीज पर, मैं आप लोगों को बच्चों नहीं कहूंगा, मैं आप लोगों को कहूंगा चानी। सुनो अब ये वाली कहानी, ठीक है। सो देखो, इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, आप समझो ये मार्कर क्या है मेरा, ये स्लोप है, ठीक है। ए पॉइंट पर अभी मैंने ऐसा रखा, स्लोप पता है ना कैसे रखते हैं, स्लोप के लिए ग्राफ पे कर्व पे कोई भी कर्व हो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे आपको पूछा है टेंजेंट ड्रॉ कर दो। और एक चीज याद रखना, ये जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं ना, ये आपको वेलोसिटी तो दे रहा है, बट कौन सी वेलोसिटी दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है ये। हर एक जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिल रहा है वो मिल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। सो अभी जैसे पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी क्या है, कुछ इतनी होगी। फिर जब पॉइंट मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा होगा, तो देखते हैं कैसे हो रहा होगा, आ जाओ। सो ये मार्कर को देखो आप, ठीक है। मार्कर अभी कैसा है, थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन में। अब जैसे ही मैं इसको बी की तरफ मूव कराता जा रहा हूं, बी कहां पर है, यहां पर है। सो
यहाँ पर है अभी ऐसा 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 ऐसा। सो मतलब मार्कर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ये वर्टिकल पोजीशन थी, ये अभी किसकी तरफ मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, बी पॉइंट तक आते आते क्या हो गया, पूरा हॉरिजॉन्टल आ गया। मतलब कि स्लोप क्या हो रहा है आपका, देखो ये पॉइंट है, मतलब यहां पे अगर आप एक्स एक्सिस से देखोगे, ये आपका एक्स एक्सिस अज्यूम करना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आया आपका थीटा। सो देखो इसको अगर मैं यहां से ऐसा थीटा बनाता हूं, ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखोगे, इसको अपन दूसरे मार्कर से हाईलाइट करते हैं, यहां पर भी अगर आप देखोगे, सो ये थीटा, मतलब कि ये भी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो समझ गए क्या आप बात, मतलब यहां पे ए टू बी में क्या हो रहा है, वर्टिकल से ये किस तरफ स्लोप शिफ्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ जाता जा रहा है और पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, और बी पॉइंट पर आते आते क्या हो गया, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब कि जहां पर आपका ऐसा आ जाए, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, वहां पर क्या हो जाता है आपका वेलोसिटी जीरो, और ए टू बी में क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से, आपका स्लोप ऐसे से ऐसा 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 हो रहा है। ठीक है, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है मतलब स्लोप इंक्रीज। इतनी बात ध्यान रख लो, यहां पे चाहिए तो लिख लो लिख लो लिख लो, कहां पे लिख दूं कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, सॉरी सॉरी, स्लोप यहां पे डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल स्लोप क्या हो रहा है आप लोगों का, बच्चा बोलेगा क्या, बोलो बोलो बोलो, इंक्रीज। बस इतनी बात ध्यान रखो, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, स्लोप डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन क्या है, थीटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि एसीबी में वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर हुई, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज जीरो। फिर आ जाओ अब सी टू डी पे। ठीक है, अब सी टू डी के बीच का अगर आपको एनालिसिस करना है, तो सेम चीज यहां पे रखा आपने मार्कर आपका, कैसे रख लो, ऐसे रख लो। ठीक है, चलो इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे रखा, ठीक है ऐसे रखा, तो अब यहां से देखो क्या हो रहा है, ये आपका स्लोप है, यहां से ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा सा वर्टिकल है, वर्टिकल से अभी कैसा मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल 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 की तरफ मूव हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ, मतलब क्या, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और अब आपको अगर देखना है इसका थीटा क्या होगा, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो एक्स एक्सिस पे, और यहां से इसको एक्सिस को एक्सटेंड करो, यहां पे देखो ये जो थीटा आ रहा है, ये आपका क्या 90 से ज्यादा आ रहा है, जी हाँ सर आ रहा है। और यहां पर भी अगर आपको देखना है, तो इसको भी थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लो, यहां से ड्रॉ करके देख लो, क्या ये 90 से बड़ा आ रहा है, जी हाँ सर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपका वेलोसिटी नेगेटिव है, और क्या हो रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रहा है ना, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल स्लोप डिक्रीजिंग एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब क्या, वेलोसिटी अगेन डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव डायरेक्शन, वेरी गुड। और वेलोसिटी एट पॉइंट डी क्या है, अभी वेलोसिटी एट पॉइंट डी, डी पे क्या हो गया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, मतलब कि वेलोसिटी एट डी हो गया जीरो। अभी डी टू ई पे आ जाते हैं जल्दी से, डी टू ई पे आने के पहले थोड़ी सी इधर की गंदगी को क्या कर देते हैं, राफा दाफा, चलो हटो जगह बनाओ, दूसरे लोगों को आना है भाई, समझो। चलो ये हो गया सब साफ, अभी देखते हैं, इसको भी लिखते थोड़ा सुंदर से, डी से ई। अब देखो डी पे क्या था, एट पॉइंट डी वेलोसिटी वाज जीरो। ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी, अब डी से ई पे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से, अब देखो मार्कर का पोजीशन देखो, हाँ ये हॉरिजॉन्टल है मार्कर, अभी डी से ई पे कैसा जा रहा है, ऐसा 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 ऐसा, कैसा गया, कैसा गया, हॉरिजॉन्टल, थोड़ा वर्टिकल, थोड़ा वर्टिकल, थोड़ा वर्टिकल, थोड़ा वर्टिकल, थोड़ा और वर्टिकल, थोड़ा और वर्टिकल, थोड़ा और वर्टिकल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो गया, जानी जानी जानते हो, स्लोप हो रहा है इंक्रीज। अब आपको क्या पता करना है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लो, इसको देख लो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, टच करा दो एक्स एक्सिस से,
और इसका थीटा देख लो कितना है, ये तो ग्रेटर देन 90, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, मतलब क्या थीटा पॉजिटिव। और जानते हो इस पॉइंट को भी अगर आप देखोगे ना, यहां से आप देखोगे तो ये भी क्या आ रहा है आपका, थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब क्या स्लोप पॉजिटिव एंड हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग एंड स्लोप इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। और फिर ई टू एफ की बात करते हैं अपन, अभी ई पे रखा आपने मार्कर, अब मार्कर का फिर से पोजीशन देखो, थोड़ा सा वर्टिकल है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव हो रहा है, मूव हुआ 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 हॉरिजॉन्टल 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 पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल आ गया, ये पूरा हॉरिजॉन्टल, मतलब कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है। एंड डायरेक्शन के लिए ये है ये है, इसको क्या कर लो, यहां से देख लो यार, डायरेक्टली यहां से इतना सा बना लो, ठीक है। ये जो आपका आ गया आपका थीटा, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मान जी क्या मतलब, बोलो 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 जल्दी बोलो यार, थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और एफ पॉइंट पर क्या हो रहा है, जीरो, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, एफ पे डी पे बी पे पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसलिए जीरो जीरो जीरो। यहां से ए से बी तक देखो आप, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल 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 की तरफ मूव हुआ, तो मतलब कि क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। फिर उसके बाद सी से डी तक देख लो, सी पे थोड़ा सा वर्टिकल था, वर्टिकल से कैसा मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। फिर डी से ई पे हॉरिजॉन्टल से कैसा हो रहा है, वर्टिकल की तरफ मूव हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी सी से डी की, सी से ई की बात कर रहे हैं, सॉरी कहाँ गया, अरे सॉरी सॉरी डी टू ई की बात कर रहे हैं ना, क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग। उसके बाद डी से ले ई से लेकर के एफ तक की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव हो रहा है, सो स्लोप डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी, और अगर ये बात समझ में आ गई तो इस ग्राफ को क्या कर सकते हो, कैसे गाला दावा कर। ओके, इसके बाद जल्दी से देखते हैं आपका थोड़ा सा वीटी ग्राफ का एनालिसिस, ठीक है। सो वीटी ग्राफ के लिए मैं इस चीज को साफ कर देता हूँ, रफा करके दफा कर देता हूँ इसको, चलो 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 जल्दी जल्दी, जगह बनाओ, तुमसे ज्यादा जगह दूसरे लोगों को लेनी है यार, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, वीटी ग्राफ बना हुआ है यहां पर, ठीक है। चलो इस ग्राफ को भी थोड़ा सा अगर अपन और साफ तरीके से और बड़े पिक्चर पर रिप्रेजेंट करते हैं, सो कैसा दिखेगा ये, कुछ ये हो गया आपका V, ये हो गया T, ऐसा करके ऐसा आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको AB, ठीक है। सो एक्सेलरेशन अगर मैं बोलता हूं, एक्सेलरेशन बिटवीन बिटवीन O2A, ठीक है। अब VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा इसमें, सिंपल मार्कर ऐसा रखो, ऐसा 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 ऐसा, मतलब ये स्लोप क्या आ रहा है, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं हो रहा। इसका 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 सभी का थीटा क्या आ रहा है, सभी का थीटा क्या आ रहा है, सेम, ठीक है, थीटा सेम है, और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप आपका सेम रह रहा है, मार्कर ऐसा का ऐसे ही, मार्कर ना हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। एट ओ टू बी ओ टू ए की बात कर रहा हूँ, ओ टू ए में मार्कर मार्कर आपका ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट, और जानते हो दोस्त क्या, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि क्या, मतलब कि पॉजिटिव। फिर बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू बी, ए टू बी में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऐसा है, ये पूरा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए से बी में आपका ये लाइन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल, मतलब केल फ्लैट चीज, फ्लैट जीरो, खत्म, बस इतनी है इसके अंदर कहानी। सबसे मेन आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और इसका एनालिसिस भी इसी की तरह है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं v वर्सेस t कर देता तो क्या होता, जो आपने एनालिसिस अभी पूरा किसके लिए देखा था, वेलोसिटी के लिए देखा था, सारा का सारा वेलोसिटी को रिप्लेस करके एक्सेलरेशन कर दो, सेम वही एनालिसिस आता। इधर s की जगह क्या करता, v, यहां पे t रहने देता, और वहां पर वेलोसिटी की जगह में क्या लिख देता, एक्सेलरेशन। तो आपके पास एनालिसिस आ जाता पूरा का पूरा एक्सेलरेशन का, अगर वीटी ग्राफ दिया हो। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो वेल डन, यू आर डन विद दिस टॉपिक एंड यू आर रेडी टू किल ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे,
गाला दबा कर यार, ठीक है? सो ये कर लो और बस हो जाओगे फ्री चीज से. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. बाय बाय.